نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آية نمبر 31 پہلے ترجمہ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر खसारे में रहे वो जिन्होंने मुलाकात की।, की, की जब आ जाएगी उनके पास घड़ी घड़ी यानी कि क्यामत की घड़ी बगदतन अचानक कलू वो कहेंगे या हसरतना हाय अफसोस हमारा अला माँ फरतना फर उस पर जो कमी कोताही की हमने फीह उसके बारे में वहम और वो यह वो उठाएंगे बोझ अपने अलाम अपनी पुश्तो पर अला खबरदार सा कितना बुरा है माँ जो यून बोझ वो उठाएंगे बहुत ही ये आयत जो है डराने वाली भी आयत है और सबक लेने वाली आयत है देखते हैं क्या फरमाया जा रहा है इसमें तो शुरुआत कहां से हो रही है कि तहकी में रहे वो जिन्होंने झुटलाया अल्लाह ताला की मुलाकात को कद कदिर बिल्ला यानी कि जिन्होंने क्यामत के दिन को मरने के बाद दोबारा जी उठने को अल्लाह ताला के सामने पेश होकर जजा सजा पाने को झुटलाया ये लोग हसारे में रहे अब ये झुटलाना जो है या तो खुले साफ तौर तो पर इनकार करके झुटलाया हो लोगों ने जैसे कि काफिर झुटलाते हैं कि क्यामत तो होगी नहीं मरने के बाद तो दोबारा उठना ही नहीं है कुछ नहीं होना या फिर ये कि क्यामत कर पर जो है लोग ईमान का दावा तो करते हो लेकिन जिंदगी जो है उसके बरक्स गुजार रहे हैं इसको फजूर बिदात और शिरक में अल्लाह तला की नाफरमानियों में जिंदगी को गुजारते हैं गोया के क्यामत तो आनी ही नहीं है तो क्योंकि इनका पुख्ता ईमान नहीं होता ना तो फिर वो इस तरह के जुर्म करते हैं अगर पुख्ता ईमान होता तो ऐसे जुर्म करते ही नहीं है ना तो ये भी जुटलाना हो गया तो इसलिए क्यामत को जुटलाने वाले सिर्फ खुले काफिर ही नहीं होते बल्कि मुशरक बिदती गुमराहुन लोग जो कुरान और सुनत का रास्ता छोड़कर सिर्फ अपनी मनमानियां करने वाले हैं सिर्फ अपने बड़े बूढ़े की बातों को कुरान और सुनत के मुकाबले में खड़ा करने वाले हैं और खूब नाफरमानियों में लगे हुए हैं सभी लोग जो है इसमें फिर शामिल हो जाते हैं जुटलाने वालों में और देखिए ये जो बात हो रही है ना कि जिन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात को झुकलाया तो क्या का दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं है बल्कि वो अल्लाह ताला के सामने पेश होने का अल्लाह ताला से मुलाकात का दिन है सुभान अल्लाह तो जो लोग तोहहीद पर रहे ईमान पर जिनका खात्मा हुआ जिन्होंने जिंदगी भर जो है सुन्नत की पैरवी की सुन्नत की तबाह की देख तकवा और नेकी पर जो है जिंदगी बसर करी तो ये जो अल्लाह ताला से मुलाकात होगी उनकी ये का जो है सबसे बड़ा शर्फ और शदत होगी बहुत ही खुशी का दिन होगा उनके लिए सुबह अल्लाह और ये खुशी और ये सदत किन को मिलेगी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनके बारे में फरमाते हैं आपलम ने फरमाया हदीस में आता है मन अहबिका वाही अहबल लहू लिका यानी कि जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करता है तो अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है और मन करी हा लिका अल्लाह ही करी अल्लाह लिखा यानी कि जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है तो अल्लाह भी ऐसे से मुलाकात करने को नापसंद करता है तो अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक होना चाहिए तो क्या बताया इसमें की तहकीक खसारे में रहे वो जिन्होंने झुटलाया अल्लाह ताला की मुलाकात को उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया ऐसे लोगों ने जिन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात को झुटला दिया भुला दिया और उसके लिए कोई तैयारी नहीं करी को कहते हैं कि कोई क्यामत नहीं आने वाली अल्लाह से कोई मुलाकात नहीं होने वाली तो ऐसे लोग क्या है दुनिया में भी ऐसे लोग कभी सुकून में नहीं रहते उनको रूहानी सुकून नहीं मिलता ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जिनका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है और आखरत का तो खसारा है ही है है ना फिर आगे फरमाया तो भागतन यहाँ तक के जब आ जाएगी उनके पास घड़ी क्यामत की घड़ी अचानक भागतन अचानक अचानक भागतन का मतलब होता है एकदम अचानक और देखे क्यामत तो अचानक ही आनी है हदीस का मफूम है ना कि क्यामत जो है इस हाल में आएगी कि दो आदमी खरीदो फरोख्त के लिए आप आ, दोनों के दरमियान मतलब कपड़ा जो है फैलाए हुए होंगे और अभी कपड़ा ल, ल, लपेटा नहीं होगा यानी कि खरीदो फरोख्त अभी मुकम्मल नहीं हुई होगी कि, कि क्यामत कायम हो जाएगी इसी में फिर आगे आप और भी बातें बताई और फिर ये भी बात बताई कि एक शख्स लुकमा उठाकर मुंह की तरफ ले जाएगा खा नहीं पाएगा कि क्या मत आ जाएगी तो अचानक क्या मत आएगी एकदम अचानक जैसे आपने सुना होगा ना कि महफूज रखे इसी तरह क्यामत एकदम आ जाएगी अचानक अबू हुर अल्लाह तू ने फरमाया कि आपने फरमाया कि छह चीजों से पहले पहले आमाल करने में जल्दी करो वो छह चीजें कौन सी हैं सूरज के मगरब से तुलू होने से पहले धुआं अर्थ या तुम में से किसी खास की मौत या सब की मौत यानी कि से पहले पहले और जब देखे ना इसमें जो बात आई है कि तुम में से किसी खास की मौत यानी कि अब इसमें यह है ना इंसान जब मरता है इंसान की जब मौत आती है ना तो जब मौत आ रही आती है तो वो भी तो उसकी क्यामत शुरू हो जाती है उसी वक्त क्योंकि अब उसके अमाल का वक्त तो खत्म हो जाता है अब वो योमुद्दीन की तरफ मुंतकिल हो जाता है तो इंसान की क्यामत तो उसकी मौत से ही शुरू हो जाती है और आखिरी तो दिन है वो तो आना ही है तो यहाँ तक के जब आ जाएगी उनके पास घड़ी मौत या क्यामत अचानक तब वो क्या कहेंगे तब वो कहेंगे कौलू वो कहेंगे या हसरतना अलामा फरतना फ़ीहा तब वो कहेंगे हाय अफसोस हमारा उस पर जो कमी कोताही की हमने उसके बारे में या हसरतना हसर हसर का मतलब जो हासी है नदामत या शर्मंदगी के मायने में आता है तो गम और हसरत की कैफियत जाहिर करेंगे तब और फरतना फर्रता इसका क्या मतलब होता है किसी के हक में कमी कोताही करना फर्रता बिल अमर कहते हैं कि जब इंसान किसी मामले में सुस्ती से काम लेता है यहाँ तक कि वो अपॉर्चुनिटी जो उसे मिली होती है उसके हाथ से निकल जाए तो वो अफसोस करेंगे वो हसरत करेंगे अपनी कमी कोताही के बारे में जो उन्होंने उसके बारे में की उसके बारे में जो वर्ड आया ना फीहा तो फीहा की जमीर किसकी तरफ जा रही है क्यामत की तरफ जा रही है मेनली कि क्यामत की तैयारी में जो कमी कोताही की अपनी उम्र जो अपने कामों ऐसे बेकार के कामों में गवा दी जिनका बाखरत के एतबार से कोई फायदा नहीं हो रहा तो जो कमी कोताही की मैंने उसके बारे में या फीहा से मुराद दुनिया की जिंदगी भी आ सकता है या आमाल भी लिया जा सकता है तो हर इंसान अफसोस करेगा उस दिन कि मैंने फला काम क्यों किए जो मुझे आज इनका कोई फायदा नहीं हो रहा है मौत के वक्त भी अफसोस होगा मरने के बाद और क्यामत के रोज भी और क्यामत के रोज को देखें योम हसरत भी कहा गया है ना जैसे मरियम मर्य, में आय थर्टी नाइन में आता है उसमें क्या फरमाया उन्हें हसरत के दिन से जब फैसला किया जाएगा इस मामले का और वो अब ग़फ़लत में है और वो नहीं वो ईमान लाते तो याउमुल हसरा भी है याकैम हसरा ज़ुमर आयत 56 में आता है अन तकुल नफ्स या हस्रता على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين कहीं ऐसा ना हो कि कोई नफ्स कहे कि कोई नफ्स कहे ए हसरत उस पर जो कमी कोताही की मैंने अल्लाह के हक में और बेशक मैं था अल्पता बेशक मजाक उड़ाने वालों में से तो इंसान अपना जो भी वक्त जाया करता है ना क्यामत के रोज उस पर हसरत करेगा रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब लोग किसी जगह पर मजलिस करें लेकिन अल्लाह का जिक्र ना करें वो मजलिस क्यामत के दिन हसरत का बायस होगी और जो आदमी रास्ते पर चलते हुए अल्लाह का जिक्र ना करे तो वो चलना भी क़यामत के दिन हसरत का बायस होगा और जो आदमी बिस्तर पर आए और अल्लाह का जिक्र ना करे तो वो भी उसके लिए बाई से हसरत होगा तो ये सारी हसरत वाली बातें ना रह जाए हमारे लिए भी। अला आगे बताया और वो उठाए होंगे होंगे वो बोझ अपने अपनी पुश्तों पर अवजार अवजार विजर की जमा विजर का क्या मायना वजर कहते हैं पहाड़ में जाए को और मजाजता इसका मायना बोझ आता है और विजर का मायना गुना भी आया है ठीक है तो जो इंसान के अमाल होंगे ना जो भी उसके गुनाह होंगे वो एक शक्ल इख्तियार कर लेंगे और वो वो जो शक्ल होगी वो जो एक बॉडी बन गई होगी फिर वो उस एक बोझ की शकल में उस इंसान की कमर पर वो लाद दिए जाएंगे क्या के रोज सु की रिवायत है कि जब भी कोई जालिम शख्स अपनी कबर में दाखिल होता है तो इसके पास एक ऐसा शख्स आता है जिसका चेहरा बहुत ही बुरा रंग बिल्कुल सियाह काला बदबूदार लिबास बहुत मेला कुचैला पहने हुए होता है और जब वो उसके पास कबर में आता है तो उसको देखते ही इंसान चिल्ला उठता है कि तुम किस कदर बदसूरत हो तो वो जवाब देता है कि तुम्हारा अमल भी तो इसी तरह बदतरीन था तो वो पूछता है तुमसे बदबू किस कदर आ रही है तो वो जवाब देता है कि तुम्हारे अमल भी तो इसी तरह बदबूदार थे तो वो पूछता है तुम्हारा लिबास किस कदर मेला कुचैला तो वो जवाब देता है कि तुम्हारा अमल भी तो इसी तरह मेला कुचैला था तो वो पूछता है इंसान आखिर बताओ तो सही तुम हो कौन तो वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारा अमली हूं और फिर वो उसके साथ कबर में रहता है साथ में सोचे इतना बदबूदार इतना गलीज और जब रोजे के उसे उठाया जाएगा तो वो उससे कहेगा कि दुनिया में मैं तुझे लज्जतों और ख्वाहिशों ख्वाहिशात के साथ उठाया फिरता था इसलिए आज तू मुझे उठा आज तू मुझे उठा और ये कहकर वो उसकी पुश्त पर सवार हो जाएगा और उसे धकेल कर जहन्नम रसीद कर देगा तो ये होता है बुरे अमल करने का नतीजा वो बोझ बनकर कमर पर सवार हो जाएंगे और पूरे क्यामत के रोज और उसको फिर जहन्नुम में उसके साथ ही जा पड़ेंगे दूसरी हदीस के में से भी हमें उसके मफूम से हमें मालूम पड़ता है इस गुनाहों के बोझ के बारे में एक और हदीस का मफूम है कि अगर किसी ने किसी और की जमीन एक बालिश भी एक बालिश भी जुल्मन ले ली तो क्यामत के दिन उसको सात जमीनों का तोक पहनाया जाएगा और वो बोझ सोचे उसके गले में सात जमीनों का बोझ बोझ लटकाया जा रहा है तो क्या मतलब अजियत होगी क्या परेशानी का हाल होगा इसी तरह देखें जब जानवरों की जो जक़ात नहीं देते तो जिन जानवरों की जक़ात नहीं दी होगी ना तो उस जानवर को इंसान अपनी गर्दनों पर उठाए उठाए होगा और वो जानवर चिल्ला भी रहे होंगे के रोज तो असल बात क्या है कि जो भी कुछ इंसान करता है ना वो अमाल उससे चिपक जाते हैं और इन्हीं अमालों से इंसान दुनिया में भी पहचाना जाता है और आखरत में भी उन्हीं अमालों को अपने ऊपर लादे हुए होगा बुरे आमालों को तो बुरे अमल जो होते हैं ना दुनिया में भी इंसान की बदनामी का सबब बनते हैं और आखरत में भी इंसान के लिए मुसीबती होंगे इसलिए फरमाया अला खबरदार सुनो कितना बुरा है जो वो बोझ उठाए हुए होंगे ये बोझ जो है ना गुनाहों का बोझ और अपने गुनाहों का बोझ भी उठाए हुए होंगे और कुछ लोग देखें ऐसे भी होंगे जो अपने गुनाहों का तो बोझ उठाए हुए होंगे साथ में उनका भी बोझ उठाएंगे दूसरे लोगों का भी जिनको इन्होंने अपने आमालों से भटकाया होगा गुमराह किया होगा अपनी बुरी मिसाल कायम करके ऐसे भी लोग होंगे तो खबरदार कितना बुरा है जो वो वो बोझ उठाए हुए होंगे क्या मालूम पड़ा हमें शायद से पहली बात तो यही कि क्यामत आएगी और अचानक आएगी आएगी इस पर पुख्ता यकीन हमारा होना चाहिए और अल्लाह ताला से मुलाकात हमारी होनी है जरूर होनी है तो हमें अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक भी होना चाहिए और उसके लिए हमें अच्छी तैयारी भी करनी चाहिए हमें नेक काम करने चाहिए उस वक्त के लिए उस वक्त के लिए जब हम अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे उस वक्त के लिए और अल्लाह ताला की मुलाकात का डर भी होना चाहिए कि जब हम अल्लाह ताला से मिले तो अल्लाह ताला हमसे कहीं नाराज़ ना हो दोनों बात होनी चाहिए फिर और क्या मालूम पड़ा इस आयत से कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी क्योंकि इंसान जितना भी अपना वक्त ज़ाया कर रहा होता है ना दुनिया में वो आखिरत के दिन उसको उस वक्त पर हसरत हो रही होगी जाया ना किया होता फिर और क्या बात मालूम पड़ी कि गुनाहों का बोझ गुनाहों का बोझ इंसान को उठाना पड़ेगा अपनी कुश्तों पर क्यामत के रोज वो क्यामत का दिन जो पचास हजार साल का दिन है और सोचे जो कि अपने आप को कैरी करना मुश्किल हो रहा होगा तो उसके ऊपर से जो है अल्ला करे किसी पे गुनाहों का बोझ भी हो साथ में तो इसलिए अपने अमाल की करना तोबा करते रहना बहुत जरूरी है दुनिया में ही हम अपनी सफाई कर लें किसी का दिल दुखाया है किसी का हक मारा है किसी के साथ जुल्म की है तो उनके हक लौटा दें, उनसे माफी अभी मांग लें अपनी सलाह कर लें, इस गंदगी को यहीं साफ कर लें, बोझ की शकल में अपनी आखिरत के लिए जमा करके ना ले जाएं साथ में बहुत जरूरी है इस बोझ को हटाना ठीक है आयत थर्टी टू वमल हयात दुनियाबलहब वमल हयात दुनिया और नहीं जिंदगी दुनिया की अला मकर लाइबों वलब खेल और तमाशा वलद दा, दारत और अलबत् घर आखिरत का खैर बेहतर है लदीन उनके लिए तकवा करते हैं अफला क्या भला नहीं तुम अक्ल से काम लेते आप ये आयत भी देखें क्या फरमाया जा रहा है ये आज की जो आयतें हैं ना बहुत ही मतलब गौरव फिकर करने वाली आयतें हैं और सबक लेने वाली आयतें हैं वमल हया तो दुनिया लाइबों वलहब कि दुनिया की जिंदगी और कुछ नहीं है मगर बस खेल और तमाशा लाइबों व लहब देखिये लाइब होता है और लहब लाइब जो होता है वो कहते हैं जिस्मानी खेल लाइब उन कामों को कहते हैं जो बिना बगैर सही मकसद के कोई काम किया जाए ना बिना फायदे का कोई काम उसको लाइव में कहते हैं जैसे कि जितने भी टाइम पास करने के लिए काम होते हैं जैसे खेल कूद और ये सब बेकार की चीजें वो सब लाइव में आ जाती है और लहव जो होता है ये होता है दिल का बहला दिल का बहलावा यानी कि जिसका रिलेशन दिल से होता है लहव हर वो चीज जो इंसान को अहम कामों से हटा दे बाज रखे जो इंसान को गाफिल कर दे यानी कि ऐसी हॉबीज दिलचस्पियां जो इंसान को गफलत में डाल दें इंसान का दिल बस उन्हीं में खोया रहे और असल काम भूल जाए ये सब लहव में आ जाता है अब जैसे ईमान से खाली जो इबादत होती है ना वो भी लहव व लाइफ कहलाती हैं जैसे कि ये मशरकिन की जो इबादतें थीं जो ईमान के बग़ैर होती है ना वो भी लहव लहब कहलाती हैं जैसे बैतुल्ला में जब इबादत के लिए वो जाते थे तो कैसी इबादतें होती थी मशरकिन की तालियां पीटना सीटियाँ बजाना तो ये भी क्या कहलाया क्या लाइब और लहव क्या फरमाया जा रहा है और नहीं जिंदगी दुनिया की मगर खेल और तमाशा देखें दुनिया तो वाकई रंगीनियों से भरी हुई है जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है और आखरत से गफलत में डाल देती है हर इंसान को और दुनिया की इन चीजों में पढ़ना खेल तमाशा ही है क्योंकि ये सब बेफायदा चीजों में पढ़ना है कोई आखरत में फायदा तो हो नहीं रहा है उससे जैसे आप देखें कोई खेल होता है कोई भी खेल होता है वो परमानेंट तो नहीं होता नहीं तो नहीं होता कुछ वक्त के लिए होता है जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है फुटबॉल मैच चल रहा है तो क्या होता है थोड़ी देर के लिए चलता है वो मैच स्टेडियम में और लोग उस वक्त क्या होता है खूब हंगामा खूब शोर मचाते हैं सब खूब एक्साइटेड होते हैं और फिर खूब मगन होते हैं उसमें है ना खूब शोर वुल होता है उस वक्त थोड़ी देर के लिए फिर क्या होता है जब खेल फिर खत्म हो जाता है बस थोड़ी देर के लिए चला खत्म हो गया फिर कुछ नहीं बचता स्टेडियम भी शांत हो जाते हैं मैदान शांत हो जाते हैं सब लोग अपने अपने घर अपने ठिकानों पे चले जाते हैं खाली खामोश रह जाता है थोड़ी देर का था वो बस शोर और, गुल और वो एक्साइटमेंट और वो रौनक तो इसी तरह जो है ना दुनिया की जिंदगी भी क्या है खेल और तमाशा इसके सिवा कुछ और नहीं है ये भी बस वक्ती तौर पर है इसकी जो मजे हैं लज्जतें हैं ये भी बस वक्ती तौर पर बाकी रहने वाली चीज नहीं है ये और घर अलबत्त का दारखिरतो खैर और घर आखरत का जो है वो बेहतर है उनके लिए जो तकवा करते हैं आखरत का घर यानी यानि के जन्नत ये बेहतर है और ये किसके लिए है उन लोगों के लिए जो तकवा करते हैं जो मुतकी हैं तो ईमान के साथ साथ सबसे पहली चीज तकवा परजगारी होना भी ज़रूरी है अगर जन्नत की तमन्ना है कि जन्नत में जाए तो ईमान तो लाना ही है ईमान के साथ साथ मुतकी होना भी जरूरी है जो हर हाल में अल्लाह ताला की जो है रजा के मुताबिक काम करें कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह ताला को नाराज करे है ना और देखें आखरत का घर तो है ही बेहतर जन्नत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है हकीर दुनिया से दुनिया में इंसान को अगर तमाम नेमतें मिल भी जाए ना तो वो जन्नत की एक नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती जिससे कि हदीस में आता है साथ भी नबी वक्का वक्र तला कहते हैं कि नबी नबीसम ने फरमाया अगर नाखून से कम मेकदार की जन्नत की कोई चीज दुनिया में जाहिर हो जाए तो वो आसमान और जमीन के किनारों को चमका दे और अगर का जन्नत का कोई आदमी झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी को ऐसे मिटा दे जैसे सूरज सितारों की रोशनी को मिटा देता है अल्लाह इसी तरह एक और हदीस है कि अबू हमने अर्ज किया वसल्लम जन्नत किस चीज से बनी हुई है? तो आपने फरमाया उसकी एक ईंट चांदी की है और एक ईट सोने की है और उसका गारा खालिस कस्तूरी है और उसके संग रेजे मोती और याकूद के हैं उसकी मिट्टी ज़ाफरान की है और जो उसमें दाखिल होगा नेमतों में रहेगा कभी तकलीफ नहीं पाएगा वो उसमें हमेशा रहेगा कभी मौत नहीं आएगी उसके कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे उसकी जवानी कभी फना नहीं होगी सुबहान्ल सुबह ये है जन्नत लेकिन ये जन्नत बड़ी कीमती है बड़ी महंगी है इसका सौदा बड़ा महंगा है ऐसे ही नहीं मिल जाएगी आसानी से सिर्फ गफलत की जिंदगी गुजारने से नहीं मिल जाएगी बल्कि जन्नत को जो है गोल बनाकर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ये खेल और शगल में पड़े रहने से काम नहीं चलेगा अगर दुनिया में खेल और शगुल में पड़े रहे तो आखिरत का खेल और शगुल नहीं मिलेगा फिर बल्कि तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने की जरूरत है और जिंदगी को सही से प्लानिंग करके उसके जो अपने औकात हैं उसकी सही प्लानिंग करके उसमें सही काम करने की जरूरत है और वो भी तकवा के साथ बादशर होके कि अल्लाह की निगरानी का एहसास हमें रहे तब सही से जिंदगी गुजारने की जरूरत है हुदूद में रहते हुए तब जाके फिर जो है उम्मीद कर सकते हैं हम जन्नत की और जन्नत है ही मुत्तकी लोगों के लिए जैसे कि शायद ने बताया ना लिल्जीना उनके लिए जो तकवा करते हैं अफ़ला ताकिलून क्या भला नहीं तुम अकल से काम लेते हम्म थोड़ा अकल से काम लो यहाँ देखे एक तरह तरह से जो है ना डांट बुलाई जा रही है कि तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते हो जबकि दुनिया की हकीकत तुम्हारे सामने है कि किस कदर ये आरजी है हकीर है, फिर भी तुम जो हो इसी दुनिया में दिल लगा कर अजीम शनाखरत को भुला देते हो है? अफला क्या भला नहीं तुम अकल से काम लेते है? ये समझाया जा रहा है अगली आयत देखते हैं आय थर्टी थ्री नजूल तहकीक हम जानते हैं इन नो ला गमगीन करता है आपको जो वो कहते हैं। बस बेशक वो लायुक नहीं वो झुकलाते आपको वलकिन ना और लेकिन आया अल्लाह की आयात का ही यजहदून वो इनकार करते हैं क्या फरमाया जा रहा है अल्लाह फरमा रहे हैं कि यकीनन हम जानते हैं कि आपको जो वो कहते हैं बेशक वो बातें आपको गमगीन करती हैं अब ये मुशरिकी ने मक्का जोते वैसे तो आप की तारीफ करते थे कि आप सादिक हैं अमीन हैं, लेकिन आपकी रिसालत पर ईमान नहीं लाते थे तो इस पर जो है आप गमगी होते थे जैसे कि सुरा में भी आता है मुमिनीन कि कहीं आप अपनी जान ही ना घुला दें कि ये ईमान नहीं ला रहे तो आप शदीद चाहते थे कि ये लोग ईमान ले आए लेकिन ये मुश्रकी मक्का जो थे आप की नबोबत की तकजीब करते उनकी मुखालफत करते और इस पर आप को बहुत गम और अफसोस होता तो यहाँ पे जो है ना आपको बेसिकली तसली दी जा रही है कि आप इनकी अः इनके चक्कर में अपनी जान ना घुलाए इनके चक्कर में आप अपने आप को ना गंवा दे है ना अच्छा एक रिवायत में आता है कि अबू जहल ने आप से, से कहा ए मोहम्मद वसल्लम हम जानते हैं कि आप सिलाी करते हैं सच बोलते हैं लेकिन हम उसे झुटलाते हैं जो आप लेकर आए तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी ठीक है तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तहकीक हम जानते हैं कि बेशक वो अलबत्ता गमगीन करता है आपको जो वो कहते हैं अब इसमें जो तसली की बात है वो आगे क्या हैुटलाते बेशक बेशक वो वो आपको और लेकिन अल्लाह की आयत का ही वो इनकार करते हैं यानी कि वो आपको नहीं छुटला रहे हैं आपको नहीं छुटला रहे आपको तो देखे चालीस साल तक जो है आपको किसी ने दुश्मन नहीं माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने चालीस साल तक कोई मजाक नहीं उड़ाया कोई बुरा भला नहीं कहा है ना लेकिन जब से आपने अल्लाह ताला की बात बताना शुरू किया अल्लाह ताला का पैगाम बताना शुरू तौहीद का पैगाम देना शुरू किया तब से ये लोग इनके पीछे पड़ गए है ना वरना तो आप सल्लल्लाहु को अच्छा इंसान समझते थे कहते भी थे कि आप सादे काम है तो ये जो मछरिनी के मक्का थे तो वो आपको नहीं छुटलाते लेकिन जो पैगाम आप लाए थे तौहीद का पैगाम वो उसको झुटला रहे थे और ये पैगाम भेजा किसने था किसकी तरफ से था वो पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से था ना तो वो आप सब का नहीं बल्कि अल्लाह की बात का अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे अल्लाह ताला की भेजी रिसालत का इनकार कर रहे थे वो लोग कुरान का इनकार कर रहे थे इसलिए यहाँ पे बताया और लेकिन ालिम अल्लाह की आयत का ही वो इनकार करते हैं यजहदून यहादून जहद इसको कहते हैं जब दिल से तो इकरार हो सच्चाई का के वो लोग कायल हैं लेकिन फिर भी जबान से जो है उनका इनकार तो ये ालिम अल्लाह आयत का इनकार करते हैं इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है इस आयत से हमें ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी शख्स जब दीन की किसी बात का मजाक उड़ाता है या झुटलाता है ना तो दरअसल वो जो है ना अल्लाह ताला की बातों को झुटला रहा होता है अल्लाह ताला से वो जंग मोल ले रहा होता है उसका मामला उसकी लड़ाई उस दीन की बात बताने वाले या दीन की तरफ बुलाने वाले से नहीं है बल्कि अल्लाह तला से वो लड़ रहा है अल्लाह त खिलाफ वो कर रहा है और फिर हमें ये बात भी पता चल रही है इसमें कि अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करने का दावा करता है तो उसको आप ससलम की लाई शरीयत से भी सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए आपकी दी हुई दावत तौहीद और सुन्नत से भी मोहब्बत करनी चाहिए और उस पर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए समझना चाहिए और उसको मानकर उस पर अमल भी करना चाहिए तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है नेक्स्ट आयत देखते हैं आयत थर्टी फोर आ जाइए

अलबत तहकी आ गई आपके पास खबरें रसूलों की आप इस हायत में देखें आप सल्हम को मजीद तसली दी जा रही है आप को बताया जा रहा है कि ये कोई पहली बार तो नहीं है कि आपको जो है जुटलाया सताया जा रहा है आपसे पहले भी जितने भी पैगम्बर गुजरे आदम के अलावा जितने भी नॉन पैगम्बर हम जानते हैं उन सबको जुटलाया गया नूअलम थे लूत लूतम इब्राहिम हूतलाम शोब जो भी नाम ले लें सबको झुटलाया गया सताया गया उन सबको झुटलाया गया लेकिन ऐसे में उन्होंने क्या किया जो उन्होंने किया आपसे को भी वही करना चाहिए तो आगे क्या फरमाया फराम बस उन्होंने सबर किया उस पर जो वो झुटलाए गए और वो सताए गए या तो पिछले भी पैगम्बरों को था उनकी कौम मान के नहीं थी किसी नबी पैगम्बर के साथ तो बस एक या दो ही मान लाने वाले होते थे पूरी पूरी कौम में से है ना और सताया भी दी गया उनको वाउज झुटलाने के अलावा उनको जहनी अजियतें भी दी गई और जिसमानी अजियतें भी दी गई गाली गलौच किया गया उनके साथ मजाक उड़ाया गया इल्जाम तराशी की गई जिसमानी तौर पर जो है उनको मारा पीटा गया यहाँ तक कि उनको कत्ल करने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि कई नबियों को तो उन्होंने कत्ल कर भी दिया है ना तो वो भी सताए गए थे वो भी छुटलाए गए थे लेकिन उन्होंने सबर किया इस पर जो उन्होंने उनको कौल और फिल से अजियतें दी सबर करना सबर करना बहुत जरूरी और सबर करना ये अल्लाह ताला की भी सिफत है अम्बिया अम्बिया इक्राम की भी सिफत है और जो भी हिदायत याफ्ता लोग दीन, दीन वाले लोग हैं उनकी सिफत है और दीन के दाई का भी ये इसी तरह सिफत होनी चाहिए सब्र करने की तो यहाँ जो है ना पिछले अम्बिया के सबर करने की बात याद दिलाकर आप सलम को भी सबर करने की तलकीन दी जा रही है उनको तसली दी जा रही है कि काफिरों मुश्किल के छुटलाने अजियत देने से आप दिल बर्दाश्त ना हो अल्लाह की मदद पहले भी आती रही है और आपके लिए भी आएगी इसीलिए आगे फरमाया हत्या आता नसरुना यहाँ तक के आ गई उनके पास मदद हमारी पिछली कौमों को भी अल्लाह ताला ने पहले मोहलत दी छोड़े रखा लेकिन जब वो कुफर की में जो है इम्तहा को पहुंच गए पार कर दिए तो अल्लाह ताला ने फिर उन पर अपने हिसाब का कूड़ा बरसा दिया और अपने नबी और रसूलों की मदद की कौमे जो है वो तबाह हो गई और जो नबी रसूल और ईमान वाले लोग थे उनको बचा लिया गया अल्लाह की मदद आ गई तो आप को भी यहाँ खुशखबरी दी जा रही है कि आपको भी अल्लाह की मदद आएगी उम्मीद से रहें और सबर से काम अपना करते रहें सुर रोम में भी आता है ना क्या फरमाया अल्लाह ताला ने वकान मोमिनीन मोमिनों की मदद करना हम पर लाजिम था लेकिन मदद जो है ना सबर के साथ ही आती है रसूल अल्लाह ने फरमाया मदद सबर के साथ है और कुशादगी तंगी के साथ है और बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी है बेशक उसी मुश्किल के साथ एक और आसानी है तो सबर करना बहुत जरूरी है आगे फरमाया वला वाला इल्ला और नहीं कोई बदलने वाला कलीमात को अल्लाह के अल्लाह के कलीमत कौन से होते हैं शराइ भी होते हैं कदरी कौनी भी होते हैं तो कलीमात में अल्लाह ताला के अहकामात अल्लाह ताला के जो फैसले हैं अल्लाह ताला की लिखी तकदीर है कोई नहीं बदल सकता इन कलीमात को और यहाँ इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो अल्लाह का जो वादा है ना वो बदला नहीं है बदलेगा बदले, बदले, नहीं कभी भी कोई बदल ही नहीं सकता वो बदलेगा ही नहीं कभी भी

यानी पिछले रसलों की खबरें उनके किस्से वही के जरिए आपको बता दिए गए हैं कि किस तरह उनकी मुखालफतें हुई किस तरह उनकी उम्मतों ने उन्हें झुटलाया उनको तंग किया उन पर अजियतें डाली तो उन्होंने सब्र किया और अल्लाह की मदद भी आई तो ये सब बातें बताकर आप को हौसला दिया जा रहा है उनको तसली दी जा रही है और देखिये ये जाहिर सी बात है जब इंसान दूसरे की तकलीफ देखता है तो उसको अपनी तकलीफ का जो है एहसास कम हो जाता है अपनी तकलीफ कम महसूस होने लगती है और दिल में फिर साबित कदमी भी आती है सबर करने की ताकत भी बढ़ जाती है तो यहाँ आप को फर्दर तसली दी जा रही है तो इस आयत में भी ये सबक है हमारे लिए कि ये जो है ना दाई का ये फर्ज है कि सबर और इस तकामत के साथ अपना काम करता रहे लोग कितनी भी हसीियतें दे लेकिन अपना काम करता रहे परेशान ना हो सबर करता रहे अल्लाह की मदद जरूर आएगी हम भी जब कोई बात हक बात किसी को बता रहे हो और कोई जो है हमारी बात ना मान रहा हो बल्कि उल्टा हमें ही बुरा भला कर हम तो हमें भी क्या करना चाहिए सबर करना चाहिए इस तकामत से अपने काम पे जमे रहना चाहिए अपना काम करता रहना चाहिए अल्लाह ताला अपनी मदद भेजेंगे उसकी उम्मीद रहनी चाहिए ठीक है आयत थर्टी फाइव देखते हैं इनका न कबुरा इरादुहुम और अगर है भारी आप पर एराज करना उनका फाइनिसता फिर अगर इस्तात रखते हैं आप अंत तब तगिया न फकन के आप तलाश करें एक सुरंग फिल अर्दी जमीन में औसुलमन या एक सीढ़ी फिर समा आसमान में पता तिया हम भी तो आप ले आए उनके पास कोई निशानी वल्लाजमा और अगर चाहता अल्लाह अलबत् वो जमा कर देता उन्हें अलहुदा हिदायत पर फलाकुन ना मिनलिन आप वसल्लम को खिताब है कि क्या जा रहा है कि अगर आप पर इन मुशरिकीन का एराज करना रू गर्दानी करना शाक गुजरता है गिरा गुजरता है कि क्यों ये ईमान नहीं लाते क्यों ये मान कर नहीं देते अब जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि आपसे बहुत परेशान गमगीन होते थे कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं हालांकि तरीके से कोशिश करते थे उनको हक बात पहुंचाने की लेकिन ये लोग तब भी मान कर नहीं दे रहे थे और बल्कि करते थे तो हो सकता था कि आप जो है अल्लाह की अल्लाह तरफ से कोई निशानी जाहिर हो ताकि ये सच्चाई को तस्लीम कर ले कुफर को छोड़ दे मान ले आए तो आपकी इस ख्वाहिश का जवाब इस आयत में दिया गया कि बेसब्री से काम ना लीजिए सबर के साथ अपना काम करते रहिए वरना अगर आपको इनका एराज करना बहुत भारी है गिरा गुजरता है और अगर आप में इस्तात है आप इस्तात रखते हैं तो क्या करिए आप जाइए खुद मुआवजा ले आइए या तो जमीन में एक सुरंग तलाश कर लीजिए जैसे कि यहाँ बताया अंतब अन तफकम नफकन फिलर्द नफक होता है ना एक सुरंग को कहते हैं जो जमीन के अंदर ही अंदर होती है एक तरफ एंट्री का रास्ता होता है एक तरफ से निकलने का रास्ता होता है सुरंग हा? या तो आप जमीन में एक, एक सुरंग तलाश कर लीजिए या फिर आसमान में एक सीढ़ी तलाश कर लीजिए फिर समाई या एक सीढ़ी आसमान में एक सीढ़ी आसमान में तलाश कर लीजिए जो आसमान तक जाती हो और फिर या तो जमीन से या फिर आसमान से आपको एक निशानी ले आइए पता हम भी आया तिन तो आप ले आइए उनके पास कोई निशानी कोई मौजा आप ही ले आइए और आप ला नहीं सकेंगे खुद से बिना अल्लाह की मर्जी के है ना तो बात तो ये है कि आप कुछ भी कर लें कोई निशानी कोई मुआवजा आप इनको दिखा दें ये मानेंगे नहीं उसको भी ये जादू ही कह देंगे जैसे कि जब चांद के दो टुकड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा उसको भी शहरु मुस्तिर बता दिया ना शहरु मुस्तमिर कि चलता हुआ जादू है तो इनके मुताबिक जो है पूरे करने से कोई फायदा नहीं है इनको मालूम है कि आप सच्चे नबी हैं लेकिन सिर्फ अपनी जिद और हर धर्मी की वजह से जो है ये इनकार कर तो इसलिए अब आगे क्या फरमाया जा रहा है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर चाहता अल्लाह अलबत् वो जमा कर देता उन्हें हिदायत पर अल्लाह चाहता तो सारों के सारों को जो है हिदायत पर जमा कर देता लेकिन अल्लाह ताला जबरदस्ती हिदायत के रास्ते पर नहीं चलाता किसी को भी अल्लाह ताला ने तो इंसान को अकल दे दी जहानत दे दी रसूलों के जरिए जो है सच बात हक बात पहुंचा दी पैगाम पहुंचा दिया अब जो है इंसान को चॉइस दे दी है इख्तियार दे दिया है कि वो किस रास्ते को चुनता है किस रास्ते पर चलता है किस चीज की ख्वाहिश वो करता है अब उसी चॉइस के मुताबिक ही जो है हिदायत के रास्ते या तो खुलते हैं इंसान पर या फिर बंद हो जाते हैं देखिये अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं था ना कि पूरे कायनात को अपना फरमा बरदार बना दे, हर, हर इंसान को जो है मोमिन मुत्तकी बना देता अल्लाह ताला लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो फिर दुनिया का मकसद ही क्या होता दुनिया का मकसद तो खत्म हो जाता क्योंकि दुनिया तो बनी ही है इम्तहान के लिए ना आजमाइश के लिए इंसानों की जैसे कि सूरह मुल्क में आप लोग पढ़ते हैं ना अल्लाह अल्लाह ताला ने तो मौत और जिंदगी को बनाया ही इसलिए कि ताकि वो आजमाए अच्छे नेक अमल करता है अल्लाह तो चाहता तो सबको जो है नेक मुख्य बना देता लेकिन अल्लाह ताला का तरीका नहीं है इसलिए आगे फरमाया फला तकुनन ना मिनल जाहीन बस नागिज हरगिस आप हो नादानों में से ये बात जो है आपसे सलम को कही जा रही है सोचे बस ना आप हरगज हो नादानों में से यहाँ जो जाहली लोगो, लो, लोगों में से ना हो जाए आप यानी आप ऐसी बात ना सोचें कि इनके मुतालबे पूरे कर दिए जाए या इनको जबरदस्ती हिदायत दे दी जाए आप उन लोगों में से ना हो जाए जो कि अल्लाह को अल्लाह के इन तरीकों को नहीं जानते जो कि अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए जारी किए हुए हैं जो लोग अल्लाह की मर्जी को नहीं समझते आप ऐसे लोगों में शामिल ना हो जाए मतलब ये तो नादानी होगी ना कि इंसान अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात को बीच में लाए और कुफार की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और अब की जानब में दरख्वास्त करे कि अल्लाह ये मुआवजा दिखा दे ताकि ये मुसलमान हो जाए तो ये मामला अल्लाह पर छोड़ दें कि वे मुसलमान होते हैं या नहीं होते हैं हिदायत पाते हैं नहीं पाते हैं किसको हिदायत देनी है नहीं देनी है ये तो अल्लाह ताला को मालूम है और अल्लाह ताला के अपने तरीके हैं अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है है ना तो आप तो अल्लाह ताला के रसूल हैं आप इन बातों को समझिए कि अल्लाह क्या चाहता है अल्लाह की मशीयतें क्या है किसको हिदायत कबूल करनी है किसको नहीं करनी है ये अल्लाह ताला की मशियत पे है और अल्लाह ताला की मशियत जो होती है वो उसकी हिकमत पर किताबें होती है तो आप समझें इस बात को है ना ये बताया जा रहा है और दूसरा मानना इसका ये भी किया गया है कि आप तो तो आप इलम तो थे है ना आपको तो इल्म दिया गया था हिकमत भी दी गई थी आप को और आपसम से तो ये तो नहीं की जा सकती कि आप जहालत बर देंगे ना उस बिल्ला है ना तो लेकिन ये आपसम को मुखातिब करके ये इसलिए कहा गया कि आपसम को मुखातिब करके इशारा जो है आपकी उम्मत की तरफ है कि उम्मत जो है ऐसा ना करे यानी कि हमें समझाई जा रही है ये बात ठीक है चल नेक्स्ट आयत और देख लेते हैं आयत नंबर थर्टी सिक्स बेशक कबूल करते हैं वो ही जो सुनते हैं वल मऊता और मुर्दे यब असुहमुल्लाह उठाएगा उन्हें अल्लाह सुम्मा इलैही युरजाउन फिर उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे बेशक कबूल करते हैं यस जवाब देते हैं कौन जवाब देते हैं वही जो सुनते हैं अल्लादीना यस्माउ सुनना जो लोग हक बात को कानों से सुनते हैं और सुनकर दिल में उतारते हैं उस पर गौर फिक्र करते हैं समझते हैं वो ही कबूल करते हैं फर्मा बरदारी करते हैं सिर्फ यह सुनना बतौर मतलब सुनना नहीं सिर्फ सुन लिया है सुनना को तो जानवर भी सुनते हैं सुनने को तो अबू जहल भी सुनता था कुरान जैसे कि पिछली पिछले आयतों में भी जिक्र आया ना कि रात को जब आप के वक्त कुरान पढ़ रहे होते थे तो अबू जहल अखनस बिन शुरे इनके जैसे काफिर जो है आपके घर के आसपास आकर अलग अलग, अलग जगह बैठ जाते थे और आपकी तिलावत सुनते थे तो कहने का मतलब यह है कि सुनते तो ये बड़े बड़े काफिर भी थे लेकिन सुनना वो सुनना या मुराद है जिससे फायदा हो जिसमें इंसान गौरव फिक्र करता है कि अल्लाह ताला भला कह क्या रहे हैं अल्लाह ताला का हुक्म क्या है तो फरमाया सिर्फ वो ही कबूल करते हैं इन नमा कह के या नमा जब आता है जब किसी चीज को महदूद कर किया जाता है कि सिर्फ ऐसी ही बात है कि सिर्फ ये कबूल करेंगे जो गौर से सुनते हैं ठीक है तो सिर्फ वही कबूल करते हैं जो सुनते हैं तो इसमें एक तो इस बात की तरफ इशारा है कि खाली सुनना काफी नहीं है बल्कि उसको सुनकर समझना गौर करना अमल करना और दूसरा इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि हिदायत उसी को मिलती है जो कम से कम पहले अच्छी नीयत के साथ अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए तैयार तो हो क्योंकि बादलों को तो अल्लाह का कलाम सुनने के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता उनको हिदायत की बातें सुनने के लिए फुर्सत ही नहीं होती दुनिया के कामों में बस फंसे रहते हैं और तो जिसको सुनने की ही जो है तौफीक नहीं है तो फिर हिदायत कैसे पाएगा अगली स्टेप पे कैसे पहुंचेगा इसलिए देखें इंसान को कोशिश करनी चाहिए वक्त निकालना चाहिए हक हाँ बात सुनने के लिए फिर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए उसमें गौर गौरव फिक्र करना चाहिए ताकि उस हक को अपना सके और हक को कबूल करने के एतबार से देखें लोगों की दो किस्में होती हैं एक तो वो जिनके दिल जिंदा होते हैं जिनके हवास कायम है और वो हक को कबूल करके उससे फायदा उठा लेते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो देखने में तो जिंदा लगते हैं लोगों के दरमियान चलते फिरते हैं जिंदा लोगों की तरह और असल में क्या है दिल उनके मुर्दा है इसलिए जब दिल मुर्दा है तो वो हक से फायदा ही नहीं उठाते वो फिर मौता की तरह है तो कुरान जो है वो जिंदा दिलों के लिए नसीहत है मुर्दों के लिए नहीं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दिल हमेशा जिंदा रहे कभी मुर्दा ना हो माउता इसमें आगे बताया ना वल माउता यब और मुर्दे उठाएगा उन्हें अल्लाह फिर वो उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे यहाँ जो मौता है ना मुर्दे यहाँ मौता मुर्दे से मुराद काफिर है और उस दौर के काफिर भी हैं जो आप पर ईमान लाने से आराज कर रहे थे जैसे मुर्दे नहीं सुनते ऐसे ही ये काफिर मुशरिक नहीं सुनते हैं हक हाँ बात को तो इनकी मिसाल मुर्दों से दी गई है ठीक है और अगर नहीं सुनते ये मौता जो दुनिया में जिंदा होने के बावजूद मौता है तो फिर अल्लाह ताला खुद ही उनसे लिपट लेगा अल्लाह उनको उठाएगा क्या के रोजावता मुर्दे उठाएगा उन्हें अल्लाह क्यामत के रोज उठाए जाएंगे वो फिर अल्लाह ही की तरफ वो लौटाए जाएंगे सुमाइला ही उड़ अल्लाह ही की तरफ उठाए जाएंगे अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे और फिर अल्लाह ताला इनका पूरा पूरा हिसाब ले लेगा ये बात समझाई जा रही है आखिर उदावाना आय अलहमदीन